स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएफ में। दोस्तों, चिल्लू पार्क से बिना संगत तिवारी को ग्रामीण से विजय बहादुर यादव को जताया भरोसा। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए 56 सीटों पर प्रत्याशी को घोषणा कर दी है। इसमें गोरखपुर सदर से चौरी चौरा सीट पर छोड़कर अन्य 7 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए। पार्टी में ग्रामीण सीट पर पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव को चिल्लू पर सीट से पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे और बसपा में सपा में शामिल हुए विनय शंकर तिवारी को भरोसा जताया। इसके अलावा कैंपियरगंज सीट पर अभिनेत्री काजल निषाद, विपराज अमेंद्र निषाद सहजनवा से पूर्व यशपाल रावत, बांसगांव से संजय कुमार और खजनी सीट से रूपावती देवी रूपावती सपा ने प्रत्याशी चुना है। सपा की लिस्ट जारी होते हुए ही गोरखपुर एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया। सदर सीट पर चंद्रशेखर के समर्थन दे सकती है सपा। गोरखपुर सदर सीट को लेकर सपा उम्मीदवार सस्पेंस जारी है। इससे पहले खबर के मुताबिक बता दें कि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रही होगी योगी आदित्यनाथ। करीब उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी सुभावती शुक्ल सपा के उम्मीदवार घोषित कर दिया है, मगर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सपा गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी को उतार कर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को अपना समर्थन दे सकती है। दरअसल सभी विपक्षी दलों को सामने सीएम योगी के गोरखपुर सदर सीट से टक्कर देना बड़ी चुनौती बन जाएगी। माना जा रहा है कि सपा के अलावा कई अन्य राजनीतिक दल चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे सकते हैं। विजय बहादुर यादव गोरखपुर ग्रामीण से पूर्व विधायक रहे। पहली बार 2007 में वह मीना मानीराम सीट से भाजपा विधायक चुने गए थे। दूसरी बार 2012 और 17 में भाजपा के विधायक रहे। हालांकि इसी बीच भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। सपा ने 2017 के उन्हें सीट में उम्मीदवार घोषित की थी।